अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ अली। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है कंपैरिजन करने वाले हैं दो स्मार्टफोन का, जहां पर एक जो है हमारे पास इन्फिनिक्स का हॉट 10S है एंड दूसरी जानब हमारे पास टेक्नो का स्पार्क 7 प्रो है। इन्फिनिक्स हॉट 10S को काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव प्राइस के ऊपर लाया गया है, जो कि कमाल की स्पेसिफिकेशन भी हमें ऑफर करता है, एंड यहाँ पर टेक्नो स्पार्क 7 प्रो को बहुत ही जल्द लॉन्च किया जाएगा। जो इन्फिनिक्स हॉट 10S है उसको इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि आखिर दोनों स्मार्टफोन में क्या एजुकेशन का डिफरेंस दिया गया है, प्राइसिंग क्या रहने वाली है दोनों स्मार्टफोन की, सभी कुछ बताने वाला हूं। आपने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कर लेना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें जो इन्फिनिक्स हॉट 10S है, बैक में ट्रिपल कैमरा प्रोवाइड करता है, साथ में LED फ्लैश और बैक में ही फिंगरप्रिंट प्रोवाइड किया गया है। डिज़ाइन काफ़ी हद तक डिसेंट दिया गया है। यहाँ पर जो टेक्नो स्पार्क 7 प्रो है आपको बैक में ट्रिपल कैमरा प्रोवाइड करता है, साथ में LED फ्लैश, बैक में ही फिंगरप्रिंट दिया गया है। यहाँ पर भी डिज़ाइन जो है काफ़ी हद तक कमाल का देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो यहाँ पर जो इन्फिनिक्स हॉट 10S है वो वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में आता है, जो कि एक IPS LCD वाला पैनल आता है। 6.82 इंच साइज दिया गया है, 720 पिक्सल के रेजोल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं एंड 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। टेक्नो स्पार्क 7 प्रो आपको पंच होल डिस्प्ले देता है, जो कि एक IPS LCD वाला पैनल है। 6.6 इंच साइज दिया गया है, 720 पिक्सल के रेजोल्यूशन एंड यहां पर भी 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। सो गाइस, बात कर लेते हैं वेरिएंट्स की। तो यहां पर इन्फिनिक्स दो वेरिएंट में आया हुआ है, जो कि 4GB रैम के साथ 64GB एंड 6GB रैम के साथ 128GB की इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड करता है। टेक्नो स्पार्क 7 प्रो में एक ही वेरिएंट कंफर्म किया गया है, जो कि 4GB की रैम के साथ 64GB का जो है इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड किया जाएगा। यहां पर बात कर लेते हैं कैमरास की। तो इन्फिनिक्स में आपको जो है बैक में ट्रिपल कैमरा प्रोवाइड किया गया है, जो मेन सेंसर है वो 48MP का आ जाता है। बाकी यहां पर हमें 2MP का मैक्रो एंड 2MP का डेप्थ सेंसर प्रोवाइड किया गया है। टेक्नो स्पार्क 7 प्रो में भी आपको जो है ट्रिपल कैमरा प्रोवाइड किया गया है, जो कि 48MP का जो है मेन सेंसर आ जाता है। यहां पर भी आपको जो है 2MP का मैक्रो एंड 2MP का डेप्थ सेंसर प्रोवाइड किया गया है। बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरा की। तो दोनों में सेम सिचुएशन, जहां पर 8MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा दोनों में आपको देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। तो यहां पर जो इन्फिनिक्स हॉट 10S है वो आपको प्रोवाइड करता है MediaTek Helio G85 की चिपसेट, जो कि काफी ज्यादा कमाल की परफॉर्मेंस देती है। टेक्नो जो है आपको MediaTek Helio G80 का जो है चिपसेट प्रोवाइड करता है, जो कि इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला दोनों की परफॉर्मेंस में, दोनों ही काफी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यहाँ पर इन्फिनिक्स हॉट 10S आपको एंड्रॉइड 11 के साथ में UI XOS 7.6 प्रोवाइड करता है। टेक्नो जो है आपको एंड्रॉइड 11 के साथ में UI हाई ऑपरेटिंग सिस्टम 7.5 देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी की। तो इन्फिनिक्स हॉट 10S में दो वेरियंट आए हैं, NFC एंड विदाउट NFC, जो कि एक जो है 5000mAh की बैटरी के साथ में आता है और दूसरा 6000mAh की बैटरी के साथ आता है, जो कि 10W तक का नॉर्मल चार्जर अडेप्टर प्रोवाइड किया गया है। टेक्नो जो है आपको 5000mAh की बैटरी के साथ 18W तक की फास्ट चार्जिंग भी प्रोवाइड करने वाला है। सो गाइस, बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की। तो दोनों में सेम सिचुएशन रहने वाली है, जहां पर आपको जो है माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिल जाता है, 3.5mm ऑडियो जैक एंड डेडिकेटेड स्लॉट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, ये था स्पेसिफिकेशन का डिफरेंस। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो जो यहाँ पर हॉट 10S है उसको लॉन्च किया गया है $120 के ऊपर, जो इसका बेस वेरियंट आता है। अपर वेरियंट $130 के ऊपर आता है, जो कि अगर मैं पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक बात कर लेता हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस प्राइस पॉइंट ये जो स्मार्टफोन है अराउंड 20,000 रुपीज़ के प्राइस में रहने वाला है। एंड यहाँ पर जो टेक्नो स्पार्क 7 प्रो है उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है 22,000-23,000 रुपीज़ की प्राइस में। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या दिया गया है, दोनों में डिस्प्ले का डिफरेंस आ जाता है, जहाँ पर इन्फिनिक्स हॉट 10S आपको वाटर ड्रॉप नॉच देता है एंड यहाँ पर जो टेक्नो स्पार्क 7 प्रो है पंच होल डिस्प्ले देता है। परफॉर्मेंस में दोनों आप कह सकते हैं कि इक्वली रहने वाले हैं, कैमरा परफॉर्मेंस भी दोनों की सेम रहने वाली है। हाँ, यहाँ पर बैटरी में डिफरेंस आने वाला है। जो इन्फिनिक्स हॉट 10S का अपर वेरियंट है वो आपको 6000mAh की बैटरी प्रोवाइड करता है, जो कि एक अच्छी चीज़ दी गई है। बाकी अगर देखा जाए तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन है। अब यहाँ पर जो है प्राइसिंग मैटर करेगी कि कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा। तो यहाँ पर देखना यह होगा कि इन्फिनिक्स एंड टेक्नो दोनों स्मार्टफोन को किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च करते हैं, वो तो खैर आने के बाद ही पता चलेगा। अगर मैं लॉन्च डेट की बात करता हूँ तो अभी दोनों की ऑफिशियल कन्फर्म लॉन्च डेट नहीं सामने आई, तो हो सकता है दोनों डिवाइसेज को जो है नेक्स्ट मंथ तक पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जाए। बाकी आपके क्या ओपिनियन है दोनों डिवाइसेज को लेकर, आप मुझे अपने राय कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।